नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। देश में बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के दौरान डबरा के भी सभी पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान डबरा विधायक सुरेश राजे ने साइकिल से घूम घूमकर सभी पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ पूर्व सांसद रामसेवक सिंह बाबूजी सहित अन्य वरिष्ठ नेतागण प्रदर्शन में शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने वर्तमान केंद्र सरकार को आम जनता के विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। साथ ही विधायक सुरेश ने कहा कि आज जब पेट्रोल के दाम 100 रूपये के पार पहुंच चुके हैं, मगर अभी भी सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस पर भी सरकार द्वारा महंगाई को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, तो आगे भी हम लोग इसी तरह सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आज आपका धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कारण है? प्रदेश और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की धींगा मस्ती की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोग अपने अपने वाहन नहीं चला पा रहे हैं। यही कांग्रेस की जब सरकार थी, जब 50 रुपये और 60 रुपये डीजल और पेट्रोल के भाव हुआ करते थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर्स हल्ला मचाते थे कि साहब बहुत महंगाई, बहुत महंगाई। आज इन लोगों को शर्म आ रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे नुमाइंदों को, आज की तारीख में कितनी महंगाई है, रसोई गैस की कितनी महंगाई हो गई, खाद्यान्न तेलों की कितनी महंगाई हो गई, खाद बीज की कितनी महंगाई हो गई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंख बंद किए बैठी है। ऊर्जा मंत्री हमारे ग्वालियर जिले के हैं और पूरे जिले में अघोषित बिजली की कटौती चल रही है। कांग्रेस के द्वारा पेट्रोल पंप पर धरना दिया जा रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है? नहीं, हमारे पूरे प्रदेश का भी कार्यक्रम है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। जनता बेहाल है, आम जन त्रस्त है। इस महंगाई की मार से कुछ राहत जनता को मिले और ये कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार जगह, किसी क्रम में आज हमारा ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में है। शिवराज सिंह ने कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो साइकिल से लेके देखे गए थे, मैं विरोध करते हुए, आप क्या कहेंगे? नहीं, आज हमने साइकिल की यात्रा निकाली है ना, सांकेतिक साइकिल यात्रा पे हम लोग गए हैं और ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर हम साइकिल से भी पहुंचे हैं। और साइकिल से हमारे जाने का अपराध सिर्फ इतना है कि जब 55-56 रुपए लीटर डीजल था तब शिवराज जी साइकिल पर निकले थे। जब 64 से 65 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल कांग्रेस पार्टी उपलब्ध करा रही थी तब शिवराज जी साइकिल पर निकले थे। तो हमने उनको ये याद दिलाने के लिए आज सांकेतिक साइकिल पे यात्रा की है कि शिवराज जी 64 और 65 रुपए के बुरे दिन जो थे, ठीक है ना, वो हमारे लौटा दो और अपने जो अच्छे दिन है, 105 रुपए पेट्रोल और 110 रुपए पेट्रोल होने जा रही है, आज डीजल शतक के करीब पहुंच गया, शतक बनाने के 2-3 रन दूर है। ये जो है ना, ये अपने बुरे दिन जो है ना, हमारे कांग्रेस पार्टी वाले, जिसमें हमको 60 से 65 रुपए सरसों का तेल मिल रहा था, जिसमें हमको 55 से 56 रुपए, जिससे हमको 55 से 56 रुपए डीजल मिल रहा था और हमारा आम आदमी कम से कम बहुत सुखी था। आज आम आदमी की हमारे की हालत ये है कि अगर वो 100 रुपए की पेट्रोल डलाने जाएगा तो उसको अब ये मान के चलो कि 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रही। बीजेपी कहती है टैक्स से देश का विकास होता है, आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, इतना टैक्स कभी कांग्रेस के पूरे शासन काल में नहीं मिला जितना ये भाजपा शासन काल में इन्हें वसूला है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो। और तो और, अब तो इन्होंने अघोषित किसान पे भी टैक्स लगा रखा है जो किसी को दिख नहीं रहा। ये जितना पैसा किसान फसल बीमा के रूप में काटते हैं और जो मोदी जी झुंझुना पकड़ाते हैं ना कि हमने 2000 दे दिए, 4000 दे दिए, इसका पूरे का हिसाब लगाओ कि किसान से वसूली कितनी की है और किसान को वापस कितना दिया है। दिल्ली सरकार मांग नहीं करती, कम नहीं करती टैक्स, राज्य सरकार, तो आगामी कदम क्या होगा? नहीं, देखिए, हमको जनता जनार्दन ने विपक्ष की भूमिका में भेजा है। क्यों भेजा है? कि हम सरकार के हर गलत काम का विरोध करें जिससे आम जन का अहित होता हो, जिससे आम जनता परेशान होती हो,
उस काम के उस कदम का सरकार का विरोध करने का काम हमारा है और हम इस सरकार को कदम कदम पर जगाने का काम करेंगे। अब ये कुंभकर्णी नीति में कोई सरकार जगती है नहीं जगती ये सरकार के ऊपर है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य हम उसे करेंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का धरना के अलावा बचा क्या है? नहीं नहीं, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, सन 80 से लेके अब तक जब भाजपा का जन्म हुआ था वो धरना प्रदर्शन करके यहाँ तक नहीं पहुँचे तो क्या करके पहुँचे? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन अपना एक सच परंपरा है, इसको हम बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। या तो भाजपा वाले बताएं कि सीधे सरकार में सत्ता में ऐसे ही आ गए क्या? उन्होंने कभी धरना प्रदर्शन नहीं दिए, एक एक मंत्री बताए जो उनका आज मंत्री बना बैठा है, उसने कब कब साइकिल यात्रा नहीं निकाली, उसने कब कब धरने प्रदर्शन नहीं दिए वो मुझे बताएं। अगर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन में बुरा लगता है तो तत्काल महंगाई पे रोक लगाए, हम अपने धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे। प्रदेश के गृहमंत्री डबरा के हैं जी, और एक लड़की का उसके साथ छेड़छाड़ होती है, 24 घंटे बाद FIR दर्ज होगी, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए पूरे प्रदेश में डबराई का नहीं, पूरे प्रदेश का बुरा हाल है, पूरे प्रदेश का बुरा हाल है। और ये तानाशाही सरकार है, आप देखिए एक आज अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लाठी देसाई जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े भाई रजनीश हरदन सिंह जी के निर्देश पर जिला ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल एवं ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के द्वारा पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई महंगाई दर के खिलाफ आज सभी पेट्रोल पंपों पर जिला ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल धरना दे रही है।